ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों आत्मचिंतन से गुजर रहे हैं। उन्हें खुद अपनी भूमिका तय करनी है। वे बहुत जल्द एक महत्वपूर्ण पद पर काम करना शुरू कर देंगे। ये बात कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्टेटस बदलने पर कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक क्लिक से एमपी की सियासत फ्लिप हो गई। जी हाँ, सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से स्टेटस क्या बदला, सुबह का सियासी पारा चढ़ गया। सिंधिया ने पार्टी के सभी पदों को भी अपने प्रोफाइल से हटा दिया है। उन्होंने अपने बायो से कांग्रेस नेता हटाकर जनता का सेवक और क्रिकेट का फैन लिखा है, जिसे लेकर बयानबाजी तेज है। वहीं कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आत्मचिंतन के दौर से गुजर रही हैं। उन्हें खुद तय करना है कि उनकी भूमिका कांग्रेस में क्या हो। चिंतन के बाद बहुत महत्वपूर्ण पद पर सिंधिया काम करना शुरू करेंगे, जिससे देश में कांग्रेस मजबूत होगी। सिंधिया जैसे लोगों की जरूरत कांग्रेस को है। सिंधिया जी इस समय आत्मचिंतन के दौर से गुजर रहे हैं। उनको खुद को तय करना है कि उनकी भूमिका इस प्रदेश और देश की कांग्रेस में क्या हो, और चिंतन के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण पद पे आदरणीय सिंधिया जी काम करना आरंभ करेंगे, जिससे प्रदेश और देश में कांग्रेस मजबूत होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों की जरूरत आज भी कांग्रेस को बिल्कुल है। वहीं सिंधिया के बीजेपी में जाने की अटकलों पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मैं सिंधिया के काफी करीब रहा हूं। वे बहुत विचारवान नेता हैं, बड़े मसलों पर गहनता से अध्ययन करते हैं। देखिए, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जितने निकट रहा हूं, एक बहुत ही विचारवान राजनेता हैं। किसी भी मसले को बड़ी गहराई के साथ वो देखते हैं, अध्ययन करते हैं और कोशिश करते हैं, जब भी पदों पे रहे उन्होंने उस पद की गरिमा को बढ़ाया है। जिस तरह उनके पिता श्री स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया ने राजनीति में शुचिता स्थापित की थी, उसी के नक्शे कदम पे हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक विचारवान नेता के विचार हमेशा सार्थक और अपने दल को मजबूत करने के रहते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि अगर सिंधिया ने ट्विटर हैंडल बदला है तो ये अच्छी बात है। निश्चित रूप से आप अगर माननीय सिंधिया जी को सुने तो हमेशा उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं नेता हूँ। उन्होंने यही कहा है कि मैं जन सेवा में हूँ, और मेरे फादर ने जब मुझे ये सौंपा था तो उन्होंने यही कहा था कि नेता की तरह नहीं बल्कि एक जन सेवक के रूप में जनता की सेवा करनी है। और उन्होंने अगर ट्विटर हैंडल बदला है तो ये बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना स्टेटस बदल कर मध्य प्रदेश की सियासत में नई सनसनी ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।